हेलो स्टूडेंट, आज अपने इस वीडियो के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम बीबीए बीसीए एंड फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का क्विक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर गूगल स्टार्ट करना है, गूगल क्रोम, उसके अंदर आपको टाइप करना है गुजरात यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप गुजरात यूनिवर्सिटी टाइप करोगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा जिसके अंदर सबसे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज इस तरह का होगा। उसके अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन, यहाँ पे और मोर डिटेल पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपको आगे की प्रोसेस दिखाई देगी एंड बीकॉम बीबीए बीसीए का पूरा प्रोसेस जो है एडमिशन ऑनलाइन है, उसके अंदर कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे पूरी प्रोसेस कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू। यहाँ पे बीसीए फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, एडमिशन फॉर बीकॉम बीबीए बीसीए डिज़ाइन फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, एडमिशन फॉर बीए का दे रखा है अपने को। अभी फिलहाल बीकॉम बीबीए बीसीए के अंदर व्यू मोर में जाके क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा जिस हिसाब से आपको अभी अपलोड हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्विक रजिस्ट्रेशन ऑफ बीकॉम बीबीए बीसीए डिजाइन फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 2022-23। तो अभी फिलहाल क्विक रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट हुआ है, पूरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ नहीं है। क्विक रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको ओनली कॉलेज सिलेक्ट करना नहीं है, वो अभी बाद में होगा, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करते रहेंगे। तो अभी तक जिस स्टूडेंट ने द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो कर लेना, बिकॉज ऑफ पूरा कैसे एडमिशन की प्रोसेस करते हैं नेक्स्ट बाय नेक्स्ट अपने वीडियो अपलोड करते रहेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना वो पूरी दे रखी है, वो आप रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हो। इंग्लिश में भी दे रखी है, साथ साथ में आपको गुजराती में भी दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे एडमिशन फॉर्म में देख लेना है, एक बार चेक कर लेना बीकॉम बीबीए वही है ना। और लास्ट क्वालिफाइंग एचएससी एग्जाम बोर्ड लिखना है, जिस गुजरात बोर्ड से दिए उस लोगों को सिलेक्ट करना है, जीएसएच एसईबी सीबीएसई गुजरात से है तो सीबीएसई गुजरात करना है, सीबीएसई अदर स्टेट से है तो उन लोगों को करना है, इंटरनेशनल आईसीएसई बोर्ड है और एनआईए उससे बोर्ड, लेकिन अभी सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो गुजरात बोर्ड का ही अभी स्टार्ट हुआ है। तो देख लेते हैं, अभी वो आप सिलेक्ट करोगे तो आगे की प्रोसेस आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ दिखाई दे रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे पासिंग स्टेट आपने गुजरात बोर्ड सिलेक्ट किया है तो गुजरात ही आएगा। एग्जाम ईयर कौन से ईयर में, इस साल दिए तो 2022 उसके पहले का है तो 2021 करना है, लेकिन अभी आपने 2022 में एग्ज़ाम दी होगी। और आपका एग्ज़ाम कौन से मंथ में दी थी तो मार्च मंथ में होगा। उसके बाद आपको अपना सीट नंबर लिखना है, जो आपने 12th की एग्ज़ाम अभी दी थी तो आपको मार्कशीट के अंदर या तो अपनी हॉल टिकट के अंदर सीट नंबर होगा, और वो विदाउट स्पेस लिखना है, उसमें कुछ भी स्पेस रखना नहीं है। और उसके बाद आपको आपका यहाँ पे नेम, लेकिन नेम खास ध्यान रखना, नेम एज पर लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट होना चाहिए। आपने 12th की जो एग्जाम दी है, 12th की मार्कशीट आपको मिली है, मार्कशीट के अंदर जो नाम है उस हिसाब से नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी बर्थ डेट पुट करनी है, और खास ध्यान रखना है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालते टाइम, क्योंकि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वो पुट करना है जो आप रेगुलर उसका यूज़ करते हो, बिकॉज ऑफ कोई भी नोटिफिकेशन ओटीपी जो नंबर आप पुट करोगे उस पर सेंड होगी, तो आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कौन सी पुट करनी है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और थोड़ा वेट करना है। वेट करोगे तो आपको अपना यहाँ पे लिखा होगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, उसके ओके करोगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर पे या तो ईमेल आईडी पे ओटीपी मिल चुका होगा, वो ओटीपी यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे 5394 ओटीपी है तो यहाँ पे उसके बाद वैलिडेट ओटीपी कर देना है। तो यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली हो गया है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करनी है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर पुट करना है, जो आगे मोबाइल नंबर पुट किया उसके अलावा दूसरा कोई भी आपको पुट करना है,
उसके बाद कैटेगरी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जिसके अंदर आप आते हो उस हिसाब से आपका कैटेगरी पुट करना है। उसके बाद कैटेगरी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपना जेंडर। जेंडर के अंदर मेल, फीमेल जो भी है, और ट्रांसजेंडर है तो जो भी है, इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, मतलब अपने बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल हैंडीकैप, विजुअल हैंडीकैप, अगर नहीं है तो नन करना है। और उसके बाद आपको खास ध्यान रखना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड ऐसा आपको पुट करना है जो आपको याद रह सके। तो यहाँ पे उसके पासवर्ड के पहले एक चीज़ और है कि रीजन ऑफ लास्ट स्कूल, आपकी लास्ट स्कूल थी वो कहाँ, अहमदाबाद में थी, आउटसाइड अहमदाबाद बट गुजरात के अंदर, किया गुजरात के बाहर, आउट अदर स्टेट, वो आपको आपके स्कूल के हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड ऐसा डालना है जिससे आपको वो पासवर्ड याद रह सको, ऐसा आपको पासवर्ड पुट करना है। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पे सक्सेस लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे नीचे लाइन पे भी लिखा होगा कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड इन योर मोबाइल नंबर बाय मैसेज एंड ईमेल आईडी, जो आपने डाला होगा उस ईमेल आईडी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका ऐसा एक पेज खुलेगा, गुजरात यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। अब आपका जो यूजर आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको बाय मैसेज या ईमेल पे मिल चुका होगा जो आपने पुट किया होगा उसके अंदर, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा जो साइड में दे रखा उसका जरूरत रहेगी, उसके बाद आपको साइन इन कर देना है। तो आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा डालोगे, पुट करोगे, तो आपका नेक्स्ट पेज ऐसे इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, जो इंफॉर्मेशन आप रीड करना है इंग्लिश के अंदर एंड गुजराती के अंदर भी दे रखा है। एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर विदाउट ऑनलाइन सक्सेसफुल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नेम परमार वैशाली बेन वीराबी जी, जो भी है वो आपका आपका नाम आएगा यहाँ पे, एंड देन एप्लीकेंट नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस पेंडिंग में, एप्लीकेशन फॉर्म भी पेंडिंग में, वेरिफिकेशन स्टैंड पेंडिंग में, अभी अपना पूरा सिस्टम चालू नहीं हुआ है, अभी क्विक रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद यहाँ पे अपने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई दे रहा है और दूसरा है चेंज पासवर्ड, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो भी चेंज पासवर्ड में जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको ओल्ड पासवर्ड एंड आपको जो न्यू पासवर्ड रखना है वो रख सकते हैं। ओके, तो ये पूरी ऑनलाइन क्विक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी। अभी नेक्स्ट जैसे भी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी उस हिसाब से अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड होता रहेगा, इसलिए जिस स्टूडेंट ने अभी भी द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्ट बहुत ही अच्छी टॉप कॉलेज कौन सी है उसका वीडियो अपने नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे।